हरियाणा के गुरुग्राम में कई जगहों पर नमाजियों के साथ हिंदू संगठनों की बदसलूकी की खबरें सामने आई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद कल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नमाजियों के लिए फरमान सुनाया था और कहा था कि नमाज सिर्फ मस्जिद या ईदगाह में ही पढ़ी जाएगी, लेकिन उनके इस आदेश ने बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में डाल दिया, जिसके बाद अब उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है, जबकि राज्य के मंत्री अनिल विज उनके पहले वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के जो स्थान हैं उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए, नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर, निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो। मनोहर लाल खट्टर का ये बयान जैसे ही सामने आया राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर सवाल खड़े कर दिए। खुद को विवादों में घिरता देख अब मनोहर लाल खट्टर के सुर बदल गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक जगहों की बजाय सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने का आदेश देने वाले सीएम खट्टर का अब कहना है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ने में किसी को भी बाधा पहुंचाई तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। अपनी सरकार को मुश्किल में देख सीएम खट्टर ने तो सफाई दे दी है, लेकिन अक्सर अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले मंत्री अनिल विज खट्टर के पुराने आदेश के समर्थन में है। उनका कहना है कि अगर कभी कभार खुले में नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आज़ादी है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना गलत है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी खट्टर के पहले बयान के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि नमाज मस्जिद या ईदगाह में ही अदा करनी चाहिए, यह सभी इबादतगाहों के लिए लागू होना चाहिए और सार्वजनिक स्थलों को इसके लिए बंद करना सही नहीं है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।